गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थीं। मेरे कुछ मित्रों ने इन गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन हुआ था मेरे द्वारा। हम लोग जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के दो दिन पहले मेरे मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आ पहुंचा। इस पत्र के अनुसार मुझे कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मैं अपने मित्र से मिलने उसके गांव की ओर चल पड़ा। जिस स्टेशन पर उतरना था गाड़ी वहां 1 बजे दिन को पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, मुझे गांव तक जाने का साहस न हुआ। एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर मैंने उसे पास बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। मैंने कहा, देखो भाई, मुझे गांव जाना है, पर मैं अभी धूप में ना जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा, तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, आप जो कुछ खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है बतलाओ। 23 मील है ना हुजूर, आप दूसरों से पूछ लीजिए, 5 रुपए पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो चाहे 3। पर मैं तो इतना न दूंगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो कुछ दे दीजिए हुजूर। मैं उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चला गया। शाम को 6 बजे हम लोग खा पी कर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर गांव की ओर रवाना हुए। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने जान पड़े। 7 भी न बज पाए थे कि पूर्ण चंद्र ने सहस्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। हम इस सुहावने दृश्य को पार कर मैदान में पहुंचे। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसा खड़ा था जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने सोचा, चांदनी रात की यह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदाई न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। मैंने तांगे वाले से पूछा, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? तांगे वाला कुछ गुनगुना रहा था। उसने बताया, अभी हुजूर कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। मैंने जरा सतर्क होकर तांगे वाले की ओर देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। मैंने सोचा, इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गाता है। मैंने उससे पूछा, कितने दिनों से तांगा हांक रहे हो? उसने बताया, हुजूर कोई 5 साल हुए, किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है। तबीयत हुई जोता, न तबीयत हुई बैठे रहे। किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है। सामने नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर यहां जरा आराम कर लीजिए, नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं कि 1957 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे? मैंने मन में सोचा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगे वाला फिर बोला, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था, फिरंगियों की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह इतना तेज, इतना फुर्तीला था कि अपनी सेना समेत 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया और उसका कोई कुछ भी न कर सका। मुझे तांगे वाले के मुंह से इतिहास की यह कहानी बड़ी ही रोचक लगी। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस तांगे वाले के मन में क्या है। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? मैं तांगे पर से उतरकर उसके पीछे पीछे चला। वह बोला, 1957 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एका होता तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमी में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर यह बात सोचकर।
मैंने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? वह उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर, हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर, जब से 57 के गदर का इतिहास पढ़ा और फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में यह जाना, तब से हुजूर बदले की भावना से रात दिन जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसीलिए नहीं की, मेरे पिता डिप्टी कलेक्टर के दफ्तर में चपरासी थे, मुझे वह जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी, माँ बाप नाराज हो गए, मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यहाँ हूँ, यह तांगा चलाता हूँ। पर तांगे पर भी किसी फिरंगी को बैठा कर तांगा न हाकूंगा। क्यों? फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यों खा ली है? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय इन फिरंगियों ने क्या कम जुल्म किए हैं? गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। फिर 57 की दूर की बात जाने दीजिए, अभी कल की बात है, पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? जलियांवाला बाग को कौन भूल पाएगा? घाव ताजा है हुजूर, इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है, इसीलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी न बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में हम नदी किनारे पहुंच गए। मैं एक चट्टान पर बैठ गया। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भर पानी लाकर मेरे पास रखा। मैंने कहा, नहीं जी, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा, पर हां, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों के से हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? वह बताने लगा, मेरा नाम रामदास है। किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता। नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर, नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ, 2 बार जेल में भी हो आया हूँ, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से एक तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर। 57 का सीन फिर एक बार दोहराया जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। मैंने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? 57 की बात ही और थी, तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं। तांगे वाला बोला, यही तो बात है, हमने जुबान खोली कि हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे, हमारे ही में से हमें सजा सुनाने वाले आए, हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर ये ही सब एक मत होकर एक साथ काम करें तो हुजूर, हथियार उठाने का भी काम नहीं। हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में जानिए, लेकिन 10 अगर सच्चे जी से काम करने को तैयार रहें तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एका ही होता तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर पाते? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और हम दोनों उठकर नदी तक गए। खाना खाकर हाथ मुंह धोकर हम लोग फिर तांगे पर आए। तांगे वाला न जाने कितनी बातें मुझे बतलाता रहा। शुरू शुरू में तांगे पर बैठकर मैंने एक साथी के अभाव का अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब पूरे हो गए मैं जान भी न पाया। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने मुझसे पूछा, यही गांव है, किसके मकान पर चलना है? तब मैंने जाना कि 23 मील की यात्रा समाप्त हो गई।